हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे G20 के बारे में। G20 समिट्स जो कि दुनिया भर के अंदर होते रहते हैं, उसका बैकग्राउंड, पहले G20 है क्या और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, G20 के जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज को कैसे याद रखना है, उसका यहाँ पे एक सिंपल तरीके से एक प्लेटफॉर्म के तहत हम यहाँ पे एक तरीका निकालेंगे। देन कम्स द जो लेटेस्ट समिट G20 का हुआ था बाली इंडोनेशिया के अंदर, उसका एजेंडा क्या था, थीम क्या थी और इंडिया का वहां पे क्या रोल था। एंड फाइनली जो नेक्स्ट समिट है G20 का 2023 के अंदर, वो इंडिया में होना है, उससे रिलेटेड कुछ जो की टर्म्स हैं वो यहाँ पे हम समझेंगे। सो पहले हम समझते हैं G20 है क्या। G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को एक मौका देता है, दुनिया की इकोनॉमीज को जो है उनको एक डायरेक्शन देने का। सो एज यू कैन सी हियर, जो G20 इट इज अ प्रीमियर फोरम दैट गिव्स द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन थ्रू द कंट्रीज ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज एंड द इमर्जिंग कंट्रीज। सो दोनों कैटेगरीज की जो कंट्रीज है वो मिलकर यहाँ पे दुनिया की इकोनॉमी को डायमेंशन और एक डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट कम्स द हिस्टोरिकल पार्ट। 1990s के अंदर जब ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो उस टाइम पे इसकी फॉर्मेशन की जो है एक बात चली थी और फाइनली 1999 के अंदर ये बनना जो है इसका तय हो गया था। सो एज यू कैन सी है, G20 जो 1999 के अंदर फॉर्म हुआ था साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये वो कंट्रीज जो मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप में आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं है और अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, एक मिडिल एवरेज लेवल के तहत कंट्रीज में आती है। देन कम्स दी लिस्ट ऑफ कंटेम्परेरी समिट जो रिसेंट सिनेरियो के अंदर हुए हैं और नेक्स्ट समिट जो आने वाले टाइम पे होने, बिकॉज यहां से प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी और जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। सो एज यू कैन सी हियर, जो इटली है उसमें 2021 के अंदर 16th समिट हुआ था G20 का। देन कम्स इन 2022, अभी रिसेंटली जो इंडोनेशिया के अंदर 17th समिट, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसकी डिटेल्स, ये हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। देन नेक्स्ट वन इन 2023 जो इंडिया के अंदर होना वो 18th समिट होगा। एंड देन कम्स द ब्राजील 2024 के अंदर, ब्राजील में होना है 19th समिट। और उसके बाद जो 20th समिट होगा G20 का वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगा 2025 के अंदर। सो प्लीज डू रिमेम्बर दीज थ्री कंट्रीज, बिकॉज ये आने वाले टाइम की कंट्रीज और आने वाले जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है रिसेंट सिनेरियो के अंदर, उनमें इनका चांस का क्वेश्चन हमेशा रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज हाउ टू लर्न द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। हम कॉन्टिनेंट वाइज इनके जो मेंबर्स हैं उनको याद करने का एक तरीका देखते हैं यहाँ पे। सो कंसीडरिंग दिस टू बी अ ग्लोब, एक रफ सा ग्लोब है और उसके अंदर एक कॉन्टिनेंट का रीजन्स को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर कैनेडा, यूएसए, मेक्सिको। सो तीन कंट्रीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका से हैं, दो कंट्रीज साउथ अमेरिका से हैं, एज यू कैन सी हियर, ब्राजील और अर्जेंटीना। सो ये होगा टोटल हमारा पांच कंट्रीज का ग्रुप। देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ और सिर्फ इकलौता देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। सो ये भी आपको याद रखना है। देन कम्स दी एशिया, और एशिया से जो है बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, ये सारी जो कंट्रीज है ये एशिया से आती हैं। देन ऑस्ट्रेलिया से खुद एक ऑस्ट्रेलिया देश है यहाँ पे। देन कम्स दी यूरोप, यूरोप से फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, रशिया, टर्की और इनके साथ साथ एक यहाँ पे 27 कंट्रीज का ग्रुप है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। सो ओवरऑल वी कैन से G20, लेकिन इसके अंदर 19 कंट्रीज है प्लस एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। सो बाकी सारे के सारे जो वो कंट्रीज कहलाते हैं। सो इट्स बेटर टू लर्न ऑल दीज कंट्री नेम्स थ्रू द कॉन्टिनेंट्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, G7 समिट जो दुनिया भर के अंदर होता है, G7 कंट्रीज का ग्रुप भी इसमें कवर होता है। अगर मैं G7 की बात करता हूँ तो फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली, ये चार कंट्रीज यहां से प्लस एक जापान यहां से और उसके बाद कनाडा और यूएसए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो दीज 7 कंट्रीज दे मेक अप द G7 ग्रुप। और एक और ग्रुप था पहले G8, उसके अंदर रशिया भी आता था। जब इधर रशिया ने बहुत साल पहले एक ग्लोबल इशू बनाया था अपनी कंट्री की तरफ से एनेक्सेशन करके क्रीमिया के ऊपर, तो उसके बाद उसको ग्रुप से एग्जिट करना पड़ा था, देन इट वाज शंटेड आउट। सो मेनली G7 और G20 ये कंटेम्परेरी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें यहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। प्लीज डू रिमेम्बर G7 मेंबर कंट्रीज ऑल्सो और G20 मेंबर कंट्रीज ऑल्सो, बिकॉज रिसेंटली जो यूपीएससी आईएएस उसके प्रीलिम्स के अंदर भी इससे यहां से क्वेश्चन बन चुका है G20 के मेंबर कंट्रीज से।
सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसके बाद आता है हमारा G20 का जो लेटेस्ट समिट हुआ था इंडोनेशिया के अंदर 2022 के अंदर। पहले उसका एजेंडा क्या था, देखिए 2022 इंडोनेशिया जो समिट हुआ था G20 का, उसके तीन मेन पोस्टुलेट थे। सो व्हाट आर दोस पोस्टुलेट्स? सबसे पहला आता है ग्लोबल हेल्थ केयर। एज यू नो कि जो जितना कोरोना पेंडेमिक के बाद जो सिनेरियो था वो एकदम से इकोनॉमिक सिनेरियो पूरा स्लम पे चला गया था। बहुत सारी कंट्रीज में रिसेशन भी आया और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर तो इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था इकोनॉमिक सिनेरियो को अगर हम देखते हैं। और इस सिस्टम को कैसे रिकवर करना, बिकॉज रिसेंटली ऑल्सो आजकल न्यूज के अंदर आ रहा है ओमिक्रॉन 5.2 एंड 0.7 वायरस, जो कि खुद एक डेडली वायरस है, उसके कारण एक और स्केयर बना हुआ दुनिया के अंदर। सो ग्लोबली एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा प्लान आउट होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक सिनेरियो को स्लंप नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज दी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो दुनिया के अंदर जितनी कंट्रीज हैं उनका आपस में एक नया लैंडस्केप तैयार किया जा रहा है ताकि दुनिया में जितनी कंट्रीज है वो आपस में कॉपरेट करके काम करे। देन कम्स दी सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। एज यू नो ग्लोबल क्लाइमेट इशू हमेशा रहता है और इसके लिए जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो दुनिया भर के अंदर जितनी कंट्रीज है उनको आपस में मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करना है और ग्लोबल क्लाइमेट जो इशू है उसको भी रिजॉल्व करना है। तो अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको कोशिश करना है कि रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ लेकर जाएं। सो ये तीन एजेंडा थे यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडियाज रोल। सो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे एज ए हेड ऑफ स्टेट और यहाँ पे उन्होंने 5 एरियाज के ऊपर फोकस किया था इस समिट के अंदर। लेट्स फोकस ऑल ऑफ दिस वन बाय वन। सबसे पहला उन्होंने फोकस किया था जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसको सीज फायर की तरफ लेकर जाया जाए। सो मींस जो दोनों कंट्रीज के ऊपर वॉर चल रही है सो इट्स लीडिंग टू ग्लोबल इश्यूज ऑल्सो। दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बिकॉज जो ट्रांसपोर्ट है जो गैस एनर्जी का फ्लो है वो भी रुक गया यूरोप से रशिया से यूरोप की तरफ और कहीं ना कहीं उसके कारण इनडायरेक्टली जो दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है उनको भी इन्फ्लुएंस पड़ता है इनडायरेक्टली। सो स्पेशली द पीपल हु आर हैविंग अ फिक्स्ड इनकम, जिनके पास फिक्स्ड इनकम है इन्फ्लेशन के कारण राइज करने के कारण उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पे। सो डिप्लोमेटिकली सीज फायर की तरफ जाना चाहिए और ये वॉर रुकना चाहिए, सबसे पहला एजेंडा ये था। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी दुनिया में एक हैवॉक रेस हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ, उसके बाद भी जो उस टाइम के ग्लोबल लीडर्स थे उन्होंने पीस की तरफ जो है अपना स्टेप एग्जीक्यूट किया था एंड दैट्स व्हाई लीग ऑफ नेशंस को कन्वर्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के तौर पे। और यूनाइटेड नेशन के अंदर जैसे जैसे कॉलोनियल एरा खत्म हो रहा था बहुत सारी नई नई कंट्रीज को उसमें ज्वाइन करवाया गया। सो आपको ये भी चीज याद रखनी है, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हु गेव द नेम यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि वो लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ना हो वो फेल हो गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो स्कोप है वो भी बढ़ाया गया था। सो एफ डी रूजवेल्ट जो कि यूएस के एक्स प्रेसिडेंट है उन्होंने इसका जो आइडिया दिया था। नेक्स्ट मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट दैट इज द सस्टेनेबल फार्मिंग। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे सस्टेनेबल फार्मिंग को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे एक क्रॉप है जिसके बारे में बोलना चाहूंगा, मिलेट्स। उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट करने की भी बात कही है यहाँ पे। सो मिलेट्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सस्टेनेबल फार्मिंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज द एनर्जी सिक्योरिटी। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो दुनिया के अंदर चाहे कैसा भी ग्लोबल क्राइसिस हो लेकिन सैंक्शन नहीं लगने चाहिए ग्लोबल क्राइसिस के कारण जो है बाकी दुनिया की इकोनॉमीज को भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम कोल इंपोर्ट करते हैं, अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और कंट्री से ऐसे कोई भी एनर्जी ओरिएंटेड जो सोर्स है वो इंपोर्ट करते हैं, सो सैंक्शन के कारण जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी सफर करती है। एंड लास्टली जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2030 का एक विजन जो एनर्जी ओरिएंटेड है उसको पेश किया था, दैट इज 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भारत के अंदर आएगी 2030 तक वो सारी की सारी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से होगी। सो एज यू कैन सी हियर बाय 2030 इंडियाज 50% एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इट विल बी थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो ये जो है इंडिया की तरफ से यहां पर रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है इस समिट का थीम क्या था जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली यूपीएससी आईएएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द थीम ऑफ द समिट वॉज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। आई विल रिपीट, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर, दिस वॉज द थीम ऑफ 2022 G20 समिट। मूविंग अहेड,
जो इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है, एज यू कैन सी इट, 18 समिट ऑफ G20 इन 2023। सो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। न्यू दिल्ली के अंदर को उसको होस्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आती है शेरपा, व्हाट इज शेरपा, और कौन इस समिट का जो है शेरपा के तौर पे जिसने रोल प्ले किया है, शेरपा है क्या? एज यू कैन सी हियर, शेरपा, शेरपा जो वर्ड है ये नेपाल के अंदर गाइड को कहते हैं। सो अब G20 समिट में शेरपा का क्या रिलेशन है? शेरपा एक ऐसे इंडिविजुअल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो प्लान आउट करेंगे, द पर्सन हु विल मेक आउट द वे फॉर द नेक्स्ट G20 समिट। जैसे 2023 के अंदर इंडिया में होना है, सो इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, दैट इज पीयूष गोयल। सो मिस्टर पीयूष गोयल जो हैं उनको जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू कंडक्ट द प्लान आउट प्रोसेस फॉर द G20 समिट। सो शेरपा जो है, दैट पर्सन विल बी अ गाइड हु विल मेक द वे फॉर द फ्यूचर समिट्स, दैट इज 2023 का, क्योंकि इंडिया के अंदर होना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रॉयका क्या होता है, दैट यू कैन सी हियर ट्रॉयका। सो ट्रॉयका जो है पिछला समिट रिसेंट कौन सी कंट्री में हुआ, दैट इज पास्ट, और अब वाला समिट कहां पे होगा, प्रेजेंट, और नेक्स्ट जो फ्यूचर में होना है। सो तीन कंट्रीज के ग्रुप को ट्रॉयका बोलते हैं। सो दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। देन एज यू कैन सी जो इंडोनेशिया है उसमें 2022 में समिट हुआ। सो 2023 के अंदर इंडिया में होना है, नेक्स्ट 2024 के अंदर ब्राजील के अंदर होगा। सो ये हम कह सकते हैं ये भी एक ट्रोइका का पार्ट है। सो अगर हम ब्राजील को छोड़ दें, देन वी कैन सी इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया ऑल्सो, दीज थ्री ऑल्सो मेक अप ट्रोइका। सो क्योंकि पहले इटली में हुआ, फिर इंडोनेशिया के अंदर और इंडिया के अंदर। सो ट्रोइका जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू द थ्री कंट्रीज। ट्रोइका का मकसद क्या है? देखिए हर G20 समिट के अंदर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको कंटिन्यू करना है, उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। सो उस पॉलिसी के तहत ही जो ट्रोइका हुआ वो कंट्रीज आपस में कॉपरेट करती हैं और कोऑर्डिनेशन अच्छा रखती हैं ताकि जो G20 समिट है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है एग्जीक्यूट हो सके, और जो चैलेंजेस हैं ग्लोबल सिनेरियो के उनको भी यहाँ पर डिस्कस करके उनको रिजोल्व किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।